हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फोर्थ की एसएसटी की वीक 11 की वर्कशीट, जो कि इंग्लिश मीडियम की है, और हम करेंगे चैप्टर 11 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। डियर चिल्ड्रन, टू एडमिनिस्टर आवर कंट्री अ रूल बुक वॉज प्रिपेयर्ड विच इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, इसमें आपको बताया गया है कि हमारे देश को चलाने के लिए नियमों की एक किताब बनाई गई है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। गवर्नमेंट्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे देश के नागरिक हमारे देश की सरकार को चुनते हैं और हमारी सरकार हमारी भलाई के लिए काम करती है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको इनके सामने सही जगह पर लिखना है। जैसे अ सिस्टम इन विच पीपल इलेक्टेड द गवर्नमेंट, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, उसे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहते हैं। अ रूल बुक प्रिपेयर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, एक ऐसी किताब जिसमें सरकार को या देश को चलाने के नियम लिखे होते हैं, वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। द लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद का निचला सदन, वह है लोकसभा। द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद का ऊपरी या उच्च सदन, वह है राज्यसभा। फर्स्ट सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश का प्रथम नागरिक, वह है प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि आप अपने परिवार के लोगों से बात करें और आप चर्चा करेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, यानी भारत की आज़ादी की लड़ाई किस प्रकार हुई थी। आपको अपने घर वालों से चर्चा करनी है और फिर आपको यहाँ पर लिखना है कि हमें स्वतंत्रता या आज़ादी कैसे मिली। मैं लिखता हूँ, वी हैड टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर आवर फ्रीडम, हमें अपनी आज़ादी पाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स इन फ्रीडम स्ट्रगल, इस आज़ादी की लड़ाई में हमारे कई महान नेता शहीद हो गए। फाइनली वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और अंत में 15 अगस्त 1947 के दिन हमें स्वतंत्रता मिल गई, हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, यहाँ पर आपको इन वर्ड्स से इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। करते हैं हम शुरू। पार्लियामेंट हैव टू हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा, संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसीलिए तब से हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 18 हैव द राइट टू वोट, भारत का हर वह नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वह वोट देने का अधिकार रखता है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, और तभी से हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लोकसभा, लोकसभा संसद का एक ऐसा सदन है जिसमें नेता हमारे द्वारा डायरेक्टली चुन करके आते हैं, यानी हम वोट देते हैं और हमारे वोट देने से जिस नेता को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो नेता संसद के लोकसभा में चुन करके आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिचुएटेड एंड वॉट इज आर इट्स फंक्शन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है और इसके क्या कार्य हैं। बच्चों, भारत का सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। इसका काम है कि निचली अदालतों के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ अपील को सुनना, और सुप्रीम कोर्ट हमारी सरकार पर नज़र रखे रहता है कि क्या वह नियमों के अनुसार कार्य कर रही है। आंसर लिखते हैं हम, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, इट हियर्स अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ लोअर कोर्ट्स, इट ऑल्सो कीप्स एन आई ऑन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। बच्चों, यहाँ हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है। हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें।